जी सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ तक तो, टेंथ तक तो शुरुआत में मतलब ऐसे शौक था बस कि करना करना जी है, आर्ट करना है, लेकिन जी 12th के बाद इसको पैशन में बदल गया कि मतलब इसको करना ही है, यही मतलब सब कुछ है जीवन में। हमेशा जूनियर्स की हेल्प किया, बहुत सारे जूनियर्स हैं जो मैंने उनको कहा जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो तब तक आपको रहना खाना सब कुछ मेरे पास, तो बहुत ये बड़ी काम भी बात मैंने है। किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनामिक यदुवंशी शो। मेरे आज के गेस्ट हैं विनय कुमार पांडे, जो कि एक आर्टिस्ट है और पलवल हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं। उन्होंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और मास्टर्स किया है। मास्टर्स जब वो फाइन आर्ट्स में कर रहे थे, देन ही हैज बीन अ टॉपर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट। यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर उन्हें काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पैन इंडिया लगभग 65 से भी ज्यादा एग्जीबिशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले किया है। उनके कुछ आर्ट वर्क लीजेंसी आर्ट गैलरी दुबई ने भी प्रक्योर किए हैं और वहां पर उनका आर्ट वर्क बकायदा डिस्प्ले पर है। काफी सारे एग्जीबिशंस में उनके आर्ट वर्क को बहुत सराहा गया है और मीडिया ने उनको कवरेज भी दी है। विनय जी, जब अपने आर्ट वर्क के स्ट्रगलिंग डेज में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने बाकी कुछ स्ट्रगलिंग फ्रेंड्स को, कुछ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को भी, बडिंग आर्टिस्ट को भी सपोर्ट किया था। वेरी हम्बल सोल, डाउन टू अर्थ, दुनिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी गिला नहीं, बस अपनी आर्ट से प्यार और अपने काम से प्यार। जो भी आर्ट से प्यार करते हैं, दे मस्ट श्योरली लिसन टू दिस कॉन्वर्जेशन। लेट्स गो एंड स्टार्ट द सेशन। शो, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए। आप आर्टिस्ट हैं और आज वीकेंड आप अपना जो टाइम है वो मुझे दे रहे हैं, मेरे लिए इट मींस अ लॉट, इट रियली मींस अ लॉट सर। नहीं, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है कि आप भी इस टाइम को निकाल के हम जैसे आर्टिस्ट को मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो विनय जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रही थी। आप आर्टिस्ट हैं और काफी सारी चीजें आपने करी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे, मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा, मुझे अपनी जर्नी के बारे में, मुझे और सारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए ब्रीफ में, जस्ट टेल मी अबाउट योर जर्नी। जर्नी ऐसा है कि मतलब कहता है कि जन्म से, माँ से ही स्टार्ट होती है, किसी भी लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग होती है माँ से ही होता है। तो जो मेरी मदर है वो वेस्ट बंगाल की है, और मेरा जो जन्म हुआ है तो वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ, तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो माहौल है, शुरुआती दौर वहाँ का रहा मेरा। और जी मेरे पिताजी रेलवे वर्कर थे, तो उनकी पोस्टिंग कभी बिहार तो कभी, तो बिहार में ज्यादातर पोस्टिंग रही उनकी। फिर जैसे जी मैं बंगाल से बिहार आया, तो बिहार भी अपने आप में एक कला का बहुत बड़ा जगह है, जी जहाँ जी पे बहुत सारे फोक आर्ट्स हैं, मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं हर प्रकार के आर्ट करते हैं, तो वहाँ का जी प्रभाव भी मेरे ऊपर रहा है। तो जी 6th 7th 8th 9th तक तो, 10th तक तो शुरुआत में मतलब ऐसे शौक था बस कि करना करना जी है, आर्ट करना है, लेकिन जी 12th के बाद इसको पैशन में बदल गया कि मतलब इसको करना ही है, यही मतलब सब कुछ है जीवन में। जी 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 क्योंकि मैंने आपका आर्टवर्क देखा है, इतना ब्यूटीफुल है। आप जिस तरीके से बटरफ्लाइज बनाते हैं, ऐसा लगता है वो बस अभी उड़ जाएगी। आपकी बिल्कुल बटरफ्लाई मुझे देख के इतनी खूबसूरत लगती है, तो सर कहाँ से आपने इतनी खूबसूरत आर्ट करना सीखा? बचपन में जैसे ना तितलियों के पीछे बच्चा, हर बच्चा भागता है, मैं ही कोई ऐसा नहीं, सभी सही बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। और जी ऐसा कहा जाता है कि जो बटरफ्लाई है वो मतलब एक अनुकूल मौसम में ही निकलती है, सभी मौसम में वो बाहर नहीं निकलती, जहाँ जी का जी वातावरण अनुकूल होता है तितलियां वहीं रहती है। और जी बच्चे भी ऐसे मौसम में उनके पीछे भागना दौड़ना उनको अच्छा लगता है। और जी जैसे बचपन में मैं क्या करता, तितलियों को पकड़ता था, उसको धागे से बांध के उड़ाता था उनको, तो डांट भी पड़ती थी कई बार घरों पे, तो तितलियों जी से मतलब लगाव बचपन से था। लेकिन जैसे बड़ा हुआ तो थोड़ी सी मानसिकता चेंज हुई, उनके प्रति प्यार भावना चेंज हुई, वो बांधने वाली जी घटनाएं खत्म हो गई थी, उनको बांधना है जी पकड़ना है वो जी चीजें खत्म हो जी गई, बस उनको अब अपने कैनवास में उतारना, उनको देखना अच्छा अब आप उनको अपने कैनवस पे बांध लेते हैं, है ना? और ऐसे लगता है। बांधते हैं, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल मुझे आपकी बटरफ्लाईज जो आप ड्रॉ करते हैं, जो आप पेंट करते हैं, ऐसे लगता है कि बस अभी हिल के उड़ने लग जाएगी। ब्यूटीफुल तो सर, उनसे ब्यूटीफुल। जुड़ाव, ऐसा जुड़ाव जिन चीजों से, जिस हर आर्टिस्ट का जुड़ाव अपने किसी एक चीज से होता है, तो जी 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 आर्टिस्ट मतलब ऐसे पूरे समाज को लेके चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके जीवन में बहुत छाप पड़ता है, उसके प्रति वो ज्यादा आकर्षित, अट्रैक्ट होता है, तो उस चीजों को ज्यादा करता है, कहीं ना कहीं उसका एक
सिग्नेचर के रूप में वो चीजें हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। विनय जी, आपकी स्ट्रगल्स आई एम श्योर काफी रही होंगी यहाँ तक। अभी आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं और अपना आर्टवर्क भी बनाते हैं, और आपका जो आर्टवर्क है वो काफी देश विदेशों में जाके डिस्प्ले होता है, एग्जिबिट होता है, तो किस तरीके की स्ट्रगल्स का आपको सामना करना पड़ा? स्ट्रगल यही है कि शुरुआत में जैसे हम स्कूल से कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हर आर्टिस्ट को, हर स्टूडेंट को ही लगता है कि अगला हीरो मैं ही, नेक्स्ट मतलब मेरा ये मेरा नंबर आएगा वाला सीन वही है कि हर कोई अपने आप को सोचता है कि मैं जाते ही मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, और वही सपने से जो हर कोई आता है, मैं भी यही सपने से जो आया था जी, तो जब फील्ड में आया तो वैसे यूनिवर्सिटी तो मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरी, यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जी, लेकिन उनसे मिलना भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनके पास टाइम था कि वो मिल सके, आपको सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके जी, तो जो उम्मीदें लेके आते हैं वो उम्मीदें वहीं खो जाती है, हम देखने को मिले आज सीनियर हमारी हेल्प करेंगे ये वो, तो ये चीजें यहाँ नहीं हो पाई, खुद से अकेले सब कुछ करना पड़ा जी जी जैसे आपने पढ़ा होगा मेरा एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक थोड़ा सा पैराग्राफ आया था कि विनय पांडे आल्सो है बडिंग आर्टिस्ट, जी जी मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स मैंने आपके कुछ पढ़े हैं जी, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे जूनियर जो आते हैं मेरे पास उनको ये चीज ना झेलना पड़े कभी, उनको ये चीजों का सामना ना करना पड़े जी, तो ये सोच के मैंने हमेशा जूनियर्स की हेल्प की, बहुत सारे जूनियर्स हैं जो मैंने उनको कहा जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो तब तक आपको रहना खाना सब कुछ मेरे पास, बहुत ये काम भी मैंने है। किया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने बडिंग आर्टिस्ट को इस तरीके से सपोर्ट किया कि जब तक आप एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपका जो फूड एंड लॉजिंग है वो मैं सपोर्ट करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2013 तक मैंने ये 2013 तक मैंने ये चीज चालू रखा था, 2013 के बाद ये चीज क्लोज कर दिया। जी जी जी, क्योंकि कई बार लोग उसका डिसएडवांटेज आपका आपके ऊपर हो जाता है, लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ था सर कुछ? नहीं ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं जीवन में, मिसयूज किया आपको पता ही नहीं है, मुझे तो हंसी अच्छा लगता है जैसे कोई क्योंकि जो बंदे मिलते हैं हमेशा तो मिसयूज भी अगर किसी ने किया होगा तो मुझे जब भी मिलते हैं मतलब प्यार से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं वो चीजें तो है जो सपोर्ट के लिए रहते हैं, रिस्पेक्ट कम आया है जी, हाँ रिस्पेक्ट जरूर करते हैं वो हमेशा चाहे कहीं भी मिले जाए। जी जी जी, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। विनय जी, जैसे आपने बताया कि आपका जो अपब्रिंगिंग है डिफरेंट स्टेट्स की रही, आपकी मदर बंगाली थी, आपके फादर रेलवेज में थे, तो पैन इंडिया आपका ट्रैवल रहा, तो हर क्षेत्र का आपके ऊपर आर्ट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा, तो क्या कोई फॉर्मल गुरु भी आपके आर्ट में रहे या आपने बस लोकल ही देख के चीजों को सीखा, खुद से समझा? नहीं, गुरु तो हर आर्ट में गुरु जरूरी होते हैं और मेरे भी गुरु हैं और कई ऐसे गुरु हैं जो मतलब हर अलग अलग कई स्केच के, ड्राइंग के, पेंटिंग के, मतलब अलग अलग विधाओं के अलग अलग गुरु रहे हमेशा उनका साथ रहा। कॉलेज टाइम में बहुत सारे गुरु रहे जिन्होंने सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया, जिनका मैं पैदल से बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ हमेशा जी। आज भी कई ऐसे गुरु हैं जो हर तरह से सपोर्ट करने के तैयार रहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सहारे ही ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। Yes, yes, definitely. आपने जब यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में यू बिकेम अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो आपके गुरुओं की क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय तो सबको पता ही था कि विनय करेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैटर था कि 12th जो है मेरा साइंस से था, तो 12th के जो गुरु थे मेरे उनको बड़ा उम्मीद था कि 12th के बाद बीटेक करेंगे, मतलब मैथ में कुछ किताब लिखेंगे, विनय का तो मैथ बहुत अच्छा है, साइंस अच्छा पढ़ता है विनय, तो सबकी उम्मीद है वहां लगी थी कि विनय कुछ साइंस में कुछ ज्यादा अच्छा करेगा जी। तो वहां पे मैंने अपने गुरुओं का थोड़ा सा दिल दुखाया 10th 12th में, क्योंकि अचानक से साइंस छोड़ के आर्ट की ओर रुख ले लिया मैंने। जी जी जी, तो आप साइंस में मैथ्स में भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, साथ साथ आपकी आर्ट में भी रुचि थी? हाँ जी मैम। सही है, तो बिल्कुल अलग बात हो गई, बिकॉज मैंने देखा है अक्सर ज्यादातर जितना मैंने देखा है जो बच्चे बहुत ज्यादा आर्ट में अच्छे होते हैं वो लोग साइंस वगैरह में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपका था तो सर आई थिंक ये तो बहुत ही आप एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, वुड से दैट। आज का समय ऐसा है कि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, अगर हम समय के साथ नहीं चलते, अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करते तो बहुत पीछे हो जाएंगे,
साइंस और मतलब ऑल सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ साइंस मशीन सभी सब्जेक्ट की मतलब आर्ट में ऐसी भूमिका है कि अगर उनको लेके ना चले तो कहीं ना कहीं हमारा आर्ट भी पीछे रह जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। विनय जी ने कब ये डिसाइड किया कि वो एक आर्टिस्ट बनेंगे? कब डिसाइड किया सॉरी कि वो एक आर्टिस्ट बनेंगे? आफ्टर 12th। आफ्टर 12th यू वर क्लियर? यस। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स लॉट ऑफ क्लैरिटी एक्चुअली, बिकॉज जब आपके हाथ में, जैसे कि आपने कहा कि आपके गुरु जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, इतनी बड़ी सॉलिड चीज है, बिकॉज यू नो हमारे इंडिया में ज्यादा समझा, यू नो एमबीबीएस कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, ज्यादा अच्छा समझा जाता है, ज्यादा सेफ समझा जाता है। जी 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 जी, बट यू चोज आर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है आपका आर्ट के लिए प्यार या कमिटमेंट या कितना आपको उसमें क्यूरियोसिटी थी। जी, मैं एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी 10th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया था। ओके, क्योंकि बिहार बोर्ड उस समय बहुत टफ थे, बिहार बोर्ड में पास होना उसमें बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। तो मैं सेकंड डिवीजन था बिहार बोर्ड में, 10th में भी और 12th में, लेकिन जैसे ही मुझे अपने चॉइस का सब्जेक्ट मिला मैं टॉपर रहा हर क्लास में, उसके बाद मैं फिर पीछे मुड़ के। अमेजिंग। ओके, अच्छा विनय जी, जैसे मैं देखती हूँ आर्टवर्क है, आर्टवर्क एम एफ हुसैन साहब का भी है, बहुत सारे और भी बहुत रेनाउंड आर्टिस्ट का भी है, एंड जो उनका आर्टवर्क है उसका तो मैं कहूँ कि मतलब कोई रेंज ही नहीं है, अपर एंड तो उसका है ही नहीं कोई, काफी अच्छे उनके आर्टवर्क जाते हैं। बट सर, जैसे काफी और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी नाम नहीं कमा पाया है, तो उन लोग का जो आर्टवर्क का जो फाइनेंशियल्स हैं जो उनको मिलता है वो इतना अच्छा नहीं रह पाता इस इंडस्ट्री में, जो ये इतना ज्यादा एक कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक बहुत हाई एक्सट्रीम हाई, एक नॉट सो यू नो इट वेरी लो। तो सर, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, कैसे है इसको, कैसे कवर अप किया जा सकता है? इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है फेथ। वो है फेथ, विश्वास। फेथ, मतलब ओके, आप ओके, सामने वाले के ऊपर जब तक फेथ नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आप आर्ट वायर है जी, तो कोई भी आर्ट वायर आपके ऊपर तभी पैसे खर्च करेगी या पैसे लगाएगी जब उसको आपके ऊपर फेथ। मान लो आपने 2-2.5 करोड़ की पेंटिंग मेरी खरीदी और मैंने आर्ट वर्क बंद करके कुछ अपना अलग काम शुरू कर दिया, अपनी मतलब सोचा कि पैसे आ गए अब तो आर्ट वर्क क्या करना, अपना कोई बिजनेस कर। सामने वाले के अंदर ये फेथ होना चाहिए, करवाना चाहिए कि मतलब जो बंदा है वो सिर्फ आर्ट के लिए डिवोटेड, मतलब उसकी आखिरी सांस तक आर्ट में ही चलेगा जब तक ये विश्वास सामने वाले को ना मिले हर किसी। आर्ट, मेरा मानना है कि आज के समय में जो आर्ट के साथ साथ मतलब इंसान के अंदर वो विश्वास होना चाहिए जी। आप अपने में लगे रहने के लिए, मतलब सामने वाले को भी विश्वास दिलाना है कि मैं आर्ट के लिए, तब तो वो आपके ऊपर मतलब फेथ करेगा, विश्वास दिखाएगा। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि जो भी यंगस्टर है, मतलब यंगस्टर है ना, वो मतलब कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मतलब मनी पाते ही वो कुछ और काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना काम बंद कर देते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो टैटू शॉप खोल के बैठे हुए हैं, मतलब अपने आर्ट बिल्कुल बंद कर दिए, टैटू शॉप बहुत ही बड़े बड़े मॉल में टैटू शॉप ऐसे कर रहे हैं। ये चीजें मतलब दिशा नहीं जाते हैं लोग थोड़ा सा। जी जी जी, जो तो लोग आपके ऊपर खर्च करते हैं उनको भी डर रहता है कि हम इस पे खर्च करें ना करें। जी जी, कहीं आर्ट अभी करेंगे या नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगी वो। अब ब्रांड बनना है अगर आपको तो ब्रांड वाला काम भी तो करना पड़ेगा हमें। ये बात आपने बहुत अच्छी रही, अगर ब्रांड बनना है तो ब्रांड वाला काम भी करना पड़ेगा। और ब्रांड क्या करती है, एक जगह पे टिकी रहती है, डटी रहती है, झंडा जो है एक बार गड़ जाता है वो हिलता नहीं है। ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि जैसे कई लोग डिविएट हो जाते हैं कुछ, अगर थोड़ा सा उनके आर्टवर्क में उनको मनी मिला एंड उस मनी का आगे, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं आगे उनका कोई काम लेगा या नहीं लेगा, कैसे चलेगा, फ्यूचर कुछ स्टेबल नहीं है, तो डिविएट हो जाते हैं, है ना? तो वो ऐसे डिविएट ना हो, इसके लिए वो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, आपको क्या लगता है कैसे आर्टिस्ट अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं आर्ट करने के लिए? आर्ट करने के लिए वो सबसे मेन चीज है कि आपको तो पहले अपने अंदर पेशेंस रखना है हर हाल में।
जैसे आप अपनी आर्ट बनाते समय पेशेंस रखते हैं जी, जब अपना कार्य करते समय आपके अंदर एक धैर्य होता है, अपने कार्य के समय बिल्कुल अपने उसके ऊपर डिवोटेड होते हैं, अपने कार्य का ही ध्यान रखता है। जैसे आपके रहने खाने का जो जो भी चीजें हैं, जरूरतें हैं, सारी चीजें पूरी हो रही है जी। तो जब आपके पास सब कुछ है तो फिर हम क्यों दूसरे चीजों के लिए भागें? जी राइट, ये तो हो गया सर कि जब हमारे पास है हम क्यों भागे, ये लेकिन एक मानसिकता हो गई। आपको क्या लगता है क्या ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जिसकी वजह से आर्टिस्ट मोटिवेटेड रहे, कुछ ऐसा अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आपको लगता है? जी जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एक एप्पल डेली खाओ आप, डॉक्टर को भगाओ। जी जी, वैसे ही अगर आप अपने जीवन में मतलब ये बना लो कि मुझे हर हाल में एक पेंटिंग करना ही करना है, ये बहुत बढ़िया बात है, हर हाल तो में एक पेंटिंग करना ही करना है। हाँ, जी बिल्कुल, कि हमें कुछ मिले ना मिले इससे हमें अपनी पेंटिंग करनी, एक पेंटिंग हमें हर हाल में करना है। जी 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 राइट, ब्यूटीफुल, उससे वो आर्ट की तरफ जो उनकी जागरूकता है, जो उनका प्यार है, डेडिकेशन है, वो बना रहेगा अगर वो रोज एक पेंटिंग में लगे रहेंगे तो रंग उनको बांध के रखेंगे। जी ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल। अच्छा विनय जी, देखा गया है आजकल ना बच्चे गैजेट से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो ब्रश और पेंसिल से प्यार करते हैं, ज्यादातर बच्चों को गैजेट्स चाहिए, वो ड्राइंग भी बनाते हैं, स्केचिंग भी करते हैं तो गैजेट्स में, आजकल जो बहुत सारी एप्स हैं उसमें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है कि बच्चे ज्यादा आर्ट की तरफ उनका रुझान हो? बच्चे जो है ना बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं। जी बिल्कुल, तो घर में जो जितने भी मेंबर्स हैं अगर वीक में एक दिन भी निकाल के कुछ मतलब मैनुअल वर्क करें, ना कि डिजिटल वर्क करें। जी हाँ, क्योंकि घर में भी जितने मेंबर्स हैं डिजिटल वर्क कर रहे हैं तो बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है, वो भी डिजिटल वर्क करते हैं। अगर आप घर में एक दिन भी आप मैनुअल वर्क करते हो तो बच्चे भी आपके साथ वो मैनुअल वर्क करेंगे करेंगे। जी जैसे मेरे घर में भी बच्चे हैं तो मैं मैनुअल वर्क करता हूँ, वो भी मेरे साथ पेंटिंग करते हैं। मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं। मैं हमेशा पेंटिंग मतलब मैं जो करूंगा बच्चे वो उस चीजों को मतलब देखते हैं और करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया वीक में बुक पढ़ना, वो बच्चे भी बुक पढ़ते हैं, पापा पढ़ रहे हैं। जी, थोड़ा बच्चों के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा क्योंकि तभी वो हमारी नकल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर बच्चों को गैजेट्स छुड़वा करके रियल ड्राइंग से प्यार करवाना है, रियल आर्ट से प्यार करवाना है, तो खुद से पेरेंट्स को पहले खुद से वो चीजें करनी होंगी, खुद से गैजेट्स छोड़नी होगी, हमें भी डांस करना पड़ेगा, हमें भी पेंटिंग करनी पड़ेगी। जी, तो हमारे साथ बच्चे भी करेंगे, हमें ये कुछ दिन करना है, डेली नहीं, हमें बस राह दिखानी, जैसे ही हम कुछ दिन करेंगे वो राह पकड़ लेंगे, वो अपने आप ही करेंगे। ऐसा नहीं हमें अब उनके पीछे डेली करना, हमें बस कुछ दिन ही करना है। जैसे आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि 21 डेज में आपने कहा था हैबिट, इंसान के अंदर हैबिट चेंज मतलब कोई आदत बन जाती है। हाँ, तो 21 डेज अगर हम ऐसे करते हैं बच्चों के साथ तो अपने आप वो हैबिट डेवलप हो जाएगी उनके अंदर। जी जी जी, तो अगर पेरेंट्स खुद से इनिशिएटिव लेंगे, खुद से स्टेप्स उठाएंगे तो बच्चों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ऑलराइट, ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। विनय जी, आपका एक यूट्यूब चैनल है डिस्कवरी ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट, मैंने देखा है उसमें आप बहुत जल्दी जल्दी सारी पेंटिंग्स बनाकर डालते हैं और काफी सारे वीडियोस आपने उसमें आर्ट के डाले हैं, एंड अपने इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद डाले हैं, एंड यू आर अ यंग फादर, आपके दो बड़े ब्यूटीफुल बच्चे हैं एंड आप दोनों अकेले अपने घर में रहते हैं, एंड इतने सारे आई अंडरस्टैंड कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों के साथ शूटिंग करने के लिए, तो ये यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ऐसे तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा शुरुआत में कि ऐसे वीडियो बनाओ, तब मैंने कभी केयर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम में कुछ ज्यादा व्यस्त था, सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपकी वीडियो आई, मोटिवेशनल वीडियो आने लगे, मैं देखने लगा, फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब बस देख रहा था। फिर उसके बाद जब कुछ लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट किया, बड़े भैया ने बोलना स्टार्ट किया आप भी बनाओ, फिर आपकी वीडियो देखता था मैं, तो फिर दोनों जगह से मुझे मोटिवेशन मिलते मिलते मैंने कहा चलो, पहले तो मेरे बड़े भैया ने कहा तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, भैया मेरे पास बहुत सारे काम है और ये वीडियो वगैरह की मेरे पास टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं। फिर आपकी वीडियो आई तो मोटिवेशनल वीडियो थी, तो मैंने अपने वाइफ को भी
सेंड किया, अपने परिवार में भी सेंड किया। फिर भैया भैया को पता है, जैसे आपके नाम से उन्होंने बता रखा है कि मैं वहां जाता था पहले, तो उनको सब कुछ पता था। उन्होंने कहा देखो इतना अच्छा वीडियो है मोटिवेशनल, आप मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे हो, जब ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो तो आपके अंदर तो मोटिवेशन है कि आप दूसरों को मोटिवेट कुछ कर ही नहीं रहे हो, और आप तो जहाँ रह रहे हो वहां के लोगों को ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जो जिस गांव में रहे हो आप जिस जगह पर रहे हो वहां के लोग भी आपको जानते हैं, वहां के बच्चे भी जानते हैं, वो भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बनाओ। फिर थोड़ा सा मुझे लगा मोटिवेट हुआ, मैंने कहा चलो करते हैं, फिर स्टार्ट किया मैं थोड़ा सा, लेकिन अभी भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। नहीं लेकिन सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कम समय में आप बड़ी ब्यूटीफुल सी आर्टवर्क बनाकर लोगों को दिखाते हैं। सो आपने सबकी बात सुनी और ये अपना आर्टवर्क डालना शुरू किया एंड सबको आर्ट सिखाना शुरू किया, सब तक आपने ये टैलेंट पहुंचाना शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ओके सर, एक आर्टिस्ट जो होता है वो ना विनय जी उसको हमेशा कुछ ना कुछ एक नई क्रिएटिविटी, नया इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना, जैसा कि मुझे लगता है। तो एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को बेस्ट कैसे रख सकता है आपको लगता है? जैसे मैं भी इसे, हम सभी लोग अपने अपने घर रहते हैं, लेकिन हर घर में ना एक छोटा सा घर अपना होना चाहिए, मतलब हर घर में छोटा सा घर अपना होने का सेंस, एक कमरा आपका अपना होना चाहिए जिसमें आप फ्री होके बैठ सकें, भले आधे घंटे या 10 मिनट जितनी भी टाइम हो उस रूम में आप बैठ सके। तो एक हर आर्टिस्ट के लिए एक जगह ऐसा एक होना, ऐसा होना चाहिए कि जहां वो अपने बैठ के कुछ चिंतन मनन कर सके, अपना कार्य कर सके, तो जिससे वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब अपनी सोच जो है वो वहां निकाल सकेगा, कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। जी जी जी, तो एक अपना कॉर्नर होना चाहिए, एक अपना स्पेस, एक रूम अपना या कोई भी ऐसी जगह जहां पर इंसान अपने आप पर रिफ्लेक्ट करे, इंट्रोस्पेक्शन करे, तो फिर वहां से उसको क्रिएटिविटी आती है। ओके ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विनय जी। अच्छा विनय जी, जैसे आप आर्टवर्क है, आर्टिस्ट बनाते हैं, उनका सारा ही आर्टवर्क उनके लिए बेस्ट होता है, बिकॉज वो आर्टवर्क इज देयर बेबी, जैसे उन्होंने बनाया होता है, करा होता है, तो सब सारा आर्टवर्क बेस्ट होता है। सो जस्ट यू नो वेरी कॉमन मैन क्वेश्चन, एक आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क को प्राइस कैसे करता है कि मैंने ये आर्टवर्क बनाया, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, बिकॉज आर्ट इट्स लाइक हियर, तो कैसे डिफरेंशिएटर के प्राइस करता है? समय के साथ साथ जैसे हम ग्रो करते रहते हैं ना, कि जैसे हम जब फील्ड में आते हैं हमारा तो कोई प्राइस होता ही नहीं है, हमारा कोई टैग नहीं होता है, हमारा कोई नाम नहीं होता है। जी, ये प्राइस और टैग तो हमें मतलब जो गैलरी वाले हैं, जो आर्ट के जो बायर्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, वो हमें ये टैग दे देते हैं। राइट राइट राइट, मैं यही सुनना चाह रही थी, क्या ऐसा है कि कुछ मार्केट भी कुछ डिसाइड करती है कि यू नो इस आर्टिस्ट का आर्टवर्क शुड बी दिस, इस आर्टिस्ट का शुड बी लाइक दिस, ऐसा भी कुछ होता है क्या? आर्टिस्ट कभी डिसाइड नहीं करता। अच्छा ओके, मैं तो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, मैं तो कभी डिसाइड नहीं करता कि मेरी पेंटिंग की कीमत इतनी है तो इतनी में सेल करना है। जी 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 ओके, ये तो मतलब मार्केट के लोग डिसाइड कर देते हैं अपने आप, आपकी जो जैसे आपको देख के लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा मतलब किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, उसको कितने पैसे चाहिए, कितनी नीड है इसको। ये जो लोग बैठे हैं मार्केट में बहुत ज्ञानी होते हैं इनके, ये बहुत अपने आप समझ जाते हैं कितना देना है। धीरे धीरे जैसे आपका नाम होता है, जैसे आप उस चीजों को मेंटेन करने लगते हैं, तो आप हम खुद उस रेट में नहीं बेचते हैं पेंटिंग। जी जी जी, तो हम कई बच्चे वाली बात की ना, तो हमें भी धीरे धीरे वो फीलिंग आ जाती है कि हम वो पेंटिंग को देखने लगन से मेहनत से बनाया है, तो थोड़ी सी तो उससे कुछ पोस्ट मिलना चाहिए। और हम जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आपने फेयर, बहुत सारे फेयर देखो, इंडिया ट्रेड फेयर है, आर्ट फेयर है, बहुत सारे फेयर होते हैं, और बहुत सारे मेला, सूरज कुंड मेला है, बहुत फेमस मेला है, तो अलग अलग जगहों पे लोग अपनी आर्ट लगाते हैं। जी, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ गैलरी के थ्रू या अच्छे गैलरी में ही जाता है, वो कभी रोड पे या ऐसे मेले खेले में जाके वो अपनी आर्ट नहीं करता। जी जी जी, तो जब ये आर्ट वहां जाती है तो वो अपने आप एक प्राइस वो लोग खुद लगा देते हैं अपना प्राइस से, कि हम आपका प्राइस यह है और हम अपनी प्राइस ये लगा रहे हैं। जी, तो जी, ये मार्केट का खेल तो मतलब अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ इस फील्ड में, तो ये कमी समझ। जी 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 विनय जी, जैसे आपका काम देश विदेश में एग्जिबिट होता है, आपके कुछ आर्टवर्क लीजेंसी आर्ट गैलरी ने भी आपसे प्रोक्योर किए हैं और वहां पर उनके पास है, उन्होंने आपसे लिए हैं,
कभी लगता है मतलब कुछ एक हाई आती है कि नाउ आई एम अ बिग आर्टिस्ट, जो कि आप हैं, तो ऐसा कभी लगता है यस नाउ आई बिकम अ बिग आर्टिस्ट, तो अब मेरा एक अलग ही मुकाम है, ऐसा कभी कुछ एक किक आती है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है आपका अभी भी एक्चुअली जो आपका मुकाम है, जो मैंने एग्जीबिशंस में आपके आर्टवर्क देखे हैं वो अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है। ऐसे एक जैसे कभी कभी ऐसे गैलरी में से शो चल रहा है, जैसे कब कोई गैलरी जब अप्रोच करती है मुझे खुद से, मतलब पूरा क्रिएट करती है मेरे शो को, तब थोड़ा सा खुशी मिलता है कि हाँ मैंने यहाँ पे कोई खर्चे नहीं किए, किसी ने खुद से मेरे पास आके मुझे अप्रिसिएट किया और मेरी पेंटिंग को एग्जीबिट कर जी रहा है, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है तब जाके। जी क्योंकि मैंने आपका नाम सुना है आर्ट गैलरीज में, जब मैं कभी एग्जीबिशंस मैंने काफी सारी अटेंड करी हैं, तो लगता है कि यू नो इज अ गुड आर्टिस्ट, और इनका आर्टवर्क अगर इस एग्जीबिशन में लगेगा तो उस एग्जीबिशन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं वो सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन जब आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है ये कितने हम्बल है विनय जी, सो हम्बल, बिल्कुल उनसे बात करने से पता ही नहीं चलता दैट एक्चुअली उनका लोग कितना ज्यादा आर्ट वर्ल्ड में नाम रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं और आपके आर्ट वर्क की वैल्यू करते हैं। अभी तो जैसे मैं जो जानते हैं ना, जैसे आप हो, बच्चों तो लोग मेरे सराउंडिंग में हैं अभी, वो लोग जानते हैं। जब तक मेरे बिना सराउंडिंग वाले लोग भी जब जानने लगेंगे ना, तब तब होता है कि हाँ आप आर्टिस्ट, मेरे चिल्लाने से या ऐसे बोलने से कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्टिस्ट नहीं होते, जब अपने आप आर्टिस्ट वाले अपने आप में जाती है, ये सर्टिफिकेट और डिग्री के मोहताज नहीं है आर्टिस्ट। राइट सर, राइट। लेकिन वो दिन भी जरूर आएगा जब दुनिया जाने की, वो भी जरूर दिन हाँ आएगा। ये है कि पहले से जब मैं दिल्ली आया था तो गिने चुने लोग जानते थे, अब काफी सारे लोग जानते हैं। जी, बिल्कुल। और एक और कॉमन मैन सवाल जो मुझे अक्सर लगता है, मैं सोचती हूँ किसी आर्ट पीस को देखकर, आर्टवर्क को देखकर लगती हूँ कि सोचती हूँ कि क्या रहा होगा आर्टिस्ट के माइंड में, तो सर एक कॉमन मैन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब आर्टिस्ट किसी आर्टवर्क को स्टार्ट करता है तो क्या वो सोच के कॉन्सेप्ट बैठता है कि ये बनाना है या स्पॉन्टेनियस चीजें बन जाती? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम आपने, क्योंकि कई बार मैं भी देखता हूँ, बहुत सीनियर आर्टिस्टों को भी देखता हूँ कि मतलब वही सब कुछ वही चीजें, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मैं ये बनाऊंगा, लेकिन मेरे से आज तक नहीं हो पाया ये चीजें, क्योंकि मेरे दिमाग में ना जब मैं सीख रहा था तभी मेरे गुरु जी ने दिमाग में ये चीजें डाल दी थी कि सोच समझ के सिर्फ आप साजिश कर सकते हो, आर्ट नहीं। वाह, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। सोच समझ के हाँ आप साजिश कर सकते हो, आर्ट नहीं। दैट्स लवली। तो तब जी। से वो दिमाग में घर किया हुआ है, तो मैं साजिश नहीं कर पाता, आर्ट ही कर पाता। ओके, तो बस आप ब्रश चलाते हो, जैसे जैसे आपको अंदर से फीलिंग्स आती रहती है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्शन जहां देते पे कैनवास जाते हो। पे जो चीजों की नीड होती है वहां पे वो चीज डालता रहता हूँ। ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, वाह, वंडरफुल। और आगे आने वाले 5 सालों में विनय जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है और उसमें काम जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, जी तो जिस जी रफ्तार से भी काम कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में तो कुछ चीजें बोलना अच्छा है नहीं है पता नहीं, क्योंकि तो कई बार जी बड़ी छोटी मुँह बड़ी बातें हो जाती है, तो इस जी चीजों को जी मतलब मैं यही रखता हूँ अभी फिलहाल। चलिए, बट जो मेरे को ये उम्मीद है कि जो आपके ख्वाब हैं, आई नो कि आप उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपका काम को आपके बिल्कुल, जल्दी से फल मिले, ये मेरी प्रेयर है आपके लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ओके आपका। ओके। अच्छा विनय जी, आप बडिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो आपका भी योगदान उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जब मैंने कोचिंग क्लास ले रहा था उसमें, तो इस चीज को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उस समय वाकई मुझे बहुत नीड थी दिल्ली में, तो उस समय मैं घर पे जाके कोचिंग क्लास लेना और मतलब उससे जो पैसे मिलते थे उससे पेंटिंग करना, मतलब वहां पे भाई बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था आपसे भी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोचिंग तो हर कोई दिलवाता है बच्चों को, हर कोई करता है, लेकिन
कभी मुझे किसी चीज की मतलब जरूरत नहीं पड़ी, कहीं बोलना नहीं पड़ा कि मुझे पेमेंट चाहिए या ऐसा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। तो वहां पे एक जो रिलेशन बना रहा और आज तक बनाया है, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके साथ वर्क करके, बच्चों को सिखा के, बच्चों के साथ काम करके, बहुत ही अच्छा लगा। विनय जी, आपका काम जब मैंने देखा तो मुझे लगा मेरे घर तो हीरा आया है। सच कह रही हूँ, मैंने आपकी एक्चुअली पेंटिंग एग्जिबिशन में भी देखी है। काफी एग्जिबिशन में मैंने इनॉग्रेट किया है, तो मैंने देखा है आपका आर्टवर्क। इट्स एक्चुअली अमेजिंग एंड आई सी यू लाइक देयर एंड आई नो कि आप बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हो। ये लॉकडाउन ने थोड़ा प्रोसेस स्लो कर दिया है, जितना ये जैसे ही इंटरनेशनल एग्जिबिशंस और ज्यादा खुलेंगे, पार्टिसिपेशन खुलेगा, यू विल बी देयर। जी, तो विनय जी, कैसे आप, अरे जो बडिंग आर्टिस्ट है उनके लिए आपका क्या मैसेज? बडिंग आर्टिस्ट की सबसे पहले तो यही सोच है कि मतलब कभी भी ये सोच के मतलब आगे नहीं बढ़ना है कि हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है। सेल्फ डिपेंड अगर आप हैं, कभी आगे इस फील्ड में आए, सेल्फ की सोच के आए, आगे पीछे सोच के कभी ना आए। सेल्फ में अगर खुद में आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को सबके सामने ला सकते हो, तभी आप इस फील्ड की ओर आगे आए। जी, पहले खुद से समझ के आप अपनी क्वालिटीज को आगे ला सकते हो तो ही आगे कदम बढ़ाएं, बिकॉज आगे रास्ता थोड़ा हाँ, कठिन है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि भगवान भी उसी का हेल्प करता है जो खुद का हेल्प करता है। तो जी सबसे पहले अगर आप खुद की हेल्प कर सकते हैं तो आगे आइए, वरना दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे ना आए फिलहाल, जब तक आप बर्निंग आर्टिस्ट हैं। दूसरों जब तक बड़े आर्टिस्ट है, राइट जी, की हेल्प राइट करें तब जब आप खुद सक्षम हो। जी, जैसे कि आपने बहुत से लोगों की मदद की, बहुत से लोगों की आपने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने जाके लोगों की मदद करी, तो मैं तो उस समय स्ट्रगल में था, मैं जी जी जो जी भी जी पैसे मतलब जो मैं आता था रूम में, मैं मुझे था कि रूम रेंट तो मुझे देना ही है, जी सब कुछ मुझे करना ही है। तो जहाँ रूम रेंट मुझे देना है, उस रूम में दो तीन लोग और रहेंगे जो आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। खाना मुझे अपने लिए बनाना है, उनके लिए बनाएंगे, खाएंगे, क्या दिक्कत है। ये सोच के हम कभी मुझे वो बर्डन नहीं हुआ। जी, राइट सर, राइट राइट। सो थैंक यू विनय जी, बहुत ब्यूटीफुल सेशन था आपका, एंड मैं उम्मीद करती हूँ सब आर्टिस्ट जो हमको देख रहे हैं इस वक्त या सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर, उनको इस सेशन से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनय जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।